बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैबिक आज़मी। हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा शिकवा कि आर्टिकल 6 के हमने सजाने के लिए रखा है। अगर डॉन लीक्स के मामले में उस वक्त ये इस्तेमाल हो जाता तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वो बातें ना होती जो आज पड़ोसी मुल्क में हर टीवी चैनल और अखबार की जीनत बनी हुई हैं। इससे पहले आप हमारे पास एक ताना हुआ करता था जो हम कहा करते थे कि फैंटेस्टिक टी, लेकिन अब इसके जवाब में भी हमें भी कुछ ताने सुनने को मिलेंगे। और इससे पहले दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 6 को देखते हैं कि वो असल में है क्या। कोई भी पाकिस्तानी शहरी इस जुर्म के वाक़े होने की शिकायत कर सकता है, उसमें आयन शिकनी की बात है उसमें छोड़ के, लेकिन बगावत के ज़ुमरे में जो चीज़ें आती हैं उन पर बात ज़रूर होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत के पास जमा करवाने के लिए जो नामज़द अफराद हैं या फ़र्द हैं वो अदालत के पास कोई भी शख्स ये लेके जा सकता है। उसका उनवान संगीन गद्दारी में आता है। अब देखना ये कि क्या हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं। कि आवाम का कहना है कि पाकिस्तान के अयाज़ सादिक साहब को पार्लियामेंट की सीट से हमेशा के लिए सियासत से नाअहल किया जाए। अयाज़ सादिक ने जो बातें जोश में नहीं की उन्होंने होश में की, अपनी लीडरशिप के मशवरे से की, और ये वो बयानियाँ हैं जिसे कई अरसे से तकवीत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि अवैस नूरानी साहब ने कोयटा के जलसे में बलोचिस्तान को अलग रियासत बनाने का मुतालबा किया और बाद में उन्होंने कहा कि इसे सियाको सबाक से हट करके लिया गया। अयाज़ सादिक का भी यही कहना है कि उनके बयान को पड़ोसी मुल्क के मीडिया सियाको सबाक से हट कर ले रहे। अब ये अवाम अच्छी तरह समझ गया कि इनका सियाको सबाक है क्या असल में। इस सारे पहलू में मैं एक बात सोचता हूँ कि विंग कमांडर हसन सदीकी और विंग कमांडर नुमान या उनके अहल खाना या शहदा पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान की इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ये जवान जो सरहदों पर खड़े होंगे इस तरह की बातें सुनकर सोचते होंगे कि हम किस किस्म के लोगों को मुंतखब करके असेंबली में भेजते हैं। क्या इनके सीने में दिल नहीं कि अपने चार दिन की सियासत के लिए मुल्की सलामती की वो बातें आम पब्लिक में कर देते हैं। असद उमर ने तो यहाँ तक कहा कि ये बकवास कर रहे हैं और ये इस मीटिंग में थे ही नहीं। खाकान अब्बासी ने भी इस बात को सेकेंड किया। रात के अंधेरे में हमला करने और दिन के उजाले में जवाब देने वाले में फ़र्क होता है, जो कि अयाज़ सादिक साहब जैसे लोगों को शायद समझ नहीं आ सकता। इसीलिए आर्मी चीफ कमर बाजवा ने कहा था कि हमें हाइब्रिड वॉर में धकेला जा रहा है। तो जिन लोगों को हाइब्रिड वॉर का मतलब उस वक्त समझ नहीं आया, अब वो इस बयान से समझ लें कि कैसे ये लोग अपना बयानियाँ अपने अंदाज में बयान करके अपने सियासी ज़ाती मफादात को मुल्की सलामती के साथ जोड़कर लोगों का जहन बनाते हैं। अब ये वो तमाम इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन आखिर में हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि शर्म करो, हया करो, लेकिन इस मिट्टी से वफा करो। आज मेरे साथ मेहमानों में आतिफ तौकीर मौजूद हैं, जर्मनी से हैं, शायर हैं, माजी में एक सियासी जमात से उनका गहरा तल्लुक भी था जिसकी बहुत सी वीडियोज़ वगैरह भी आप पता नहीं है या नहीं है। और खुर्रम साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स से गहरा ताल्लुक रखते हैं। इनसे बात करते हैं और प्रोग्राम में बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म मेरे पास सवालात मौजूद हैं। उम्मीद है आतिफ तौकीर और खटक साहब जो है इन सवालात को पसंद करेंगे। मेरे साथ रहें, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आतिफ भाई, रिसेंटली जो सियासत में आपको पता है जो काफ़ी सारी आपकी वीडियोज़ भी उस पर आपने बनाई, अभी पीडीएम के जो हैं जलसे भी हो रहे हैं, अभी हमने देखा उन्होंने गुजरांवाला में किया, फिर कोयटा में मियां नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर हुई, उसके बाद एक फ़ज़ा ऐसी क्रिएट की जा रही है कि जिसमें लगता है कि कुछ लोगों का कहना है कि एंटी पाकिस्तान या एंटी स्टेट एक एजेंडा सेट हो रहा है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल एरिना में आपको आप किसी भी चीज़ की दुरुस्ती या गलती के लिए या किसी भी चीज़ पर तनकीद या तामीरी बात के लिए या तारीफ के लिए आपको एक मयार लेना पड़ता है। सियासी मैदान में वो मयार आपका मुश्तरका मुआहिदा या जिसे आप दस्तूर कहते हैं वो होता है। रियासती आईने में आप किसी भी चीज़ की दुरुस्ती या खराबी के लिए उस आईने को इस्तेमाल करते हैं। देखना ये होगा कि पीडीएम ऐसी कौन सी बात कर रही है जो दस्तूर पाकिस्तान से मुतसादिम है और ऐसी कौन सी बात कर रही है जो दस्तूर पाकिस्तान के साथ है। पीडीएम की मेरे ख्याल में ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है जो दस्तूर पाकिस्तान के खिलाफ हो, इसलिए जब तक ऐसा है पीडीएम दस्तूर पाकिस्तान के अंदर है, एंटी पाकिस्तान नहीं। अच्छा, इसी पर आते भी अगर आपकी बात लें तो बलोचिस्तान में उन्होंने अलग रियासत का मुतालबा किया अवैस नूरानी साहब ने, जो बाद में उन्होंने कहा जी मेरे सियाको सबाक से हटकर है। फिर अयाज़ सादिक साहब ने नेशनल फ्लोर पर खड़े होकर, जैसे बरतानिया में हाइड पार्क में आपको पता है खुलकर बोलने की इजाज़त है, इसी तरह नेशनल असम्बली को हाइड पार्क समझते हुए ऐसी बातें की कि जिस पर आज हिंदुस्तानी टीवी चैनल्स और मीडिया में अखबार में फ्रंट हेडलाइंस बनी हुई हैं, तो क्या ये ऐसी बातें नहीं है? देखिए, दो चीज़ें देखना आपको देखना ही होगा। पहली बात तो यह कि जो पार्लियामान का फ्लोर है या जो एक किसी जामिया की जमात है, ये वो मकामात होते हैं जहां पर गुफ्तगू होती है, जहां पर हर तरह की गुफ्तगू होती है।
सवाल ये है, ये अहम, आप हमारे लिए ये अहम होना चाहिए कि जो अयाज सादिक ने कहा क्या वो बात ऐसी ही है या उन्होंने ही जस्ट मेड इट अप, क्या है मामला? यानी हमारे लिए ज्यादा अहम बात ये होना चाहिए कि उसमें सच्चाई कितनी है और उसमें झूठ कितना है। उन्होंने अपनी उस तकरीर की वजाहत भी बाद में जारी की, उसमें उनका कहना था कि मेरा मकसद ये था कि उस वक्त एक दबाव में आके जो अभिनंदन है उसको छोड़ा गया, या उसी तरह उससे पहले जो आपने अवैस नूरानी की बात की, अवैस नूरानी साहब ने जो आपने अलहदा आपने भी लफ्ज बात किया, उन्होंने उनका लफ्ज था कि हम बलूचिस्तान को आजाद रियासत बनाना चाहते हैं। अब मसला ये कि हमारे यहाँ, मैंने कल एक व्लॉग में भी बताया था कि अवैस नूरानी समेत लोगों को, खुद अवैस नूरानी को भी लफ्ज आजादी का मतलब नहीं पता। अगर मिसाल के तौर पर मैं ये बात कहता कि मैं बलूचिस्तान को आजाद रियासत बनाना चाहता हूँ और आप मुझसे कहते कि आतिफ भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, तो मैं आगे से कहता कि मैं पंजाब को भी आजाद रियासत बनाना चाहता हूँ, मैं बलूचिस्तान के अलावा पश्तूनख्वा और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को आजाद रियासत बनाना चाहता हूँ, मैं अलहदगी की बात नहीं करता। अलहदा होना और आजाद होने में फर्क है। यूरोपीय यूनियन की मिसाल आपके सामने है, यहाँ पर जहालत थी, यहाँ जंगें थी, यहाँ लड़ाई थी, यहाँ तकसीम थी। दूसरी आलमी जंग के बाद जब इन्होंने तौबा कर ली कि अब हम जंग नहीं करेंगे, तो आज पूरे का पूरा यूरोपीय यूनियन एक मुल्क की तरह। तो फिर आते भाई ब्रेक्सिट पर क्या है, अगर अलहदगी और आजाद रियासत है तो फिर ब्रेक्सिट में क्या हुआ है? हाँ ठीक है, ब्रेक्सिट एक सियासी मामला तो है। दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि जो दाएं बाजू की कुव्वतें हैं वो मजबूत हो रही हैं और दाएं बाजू की जो सोच है वो, लेकिन आप ये भी देखिए कि ये दाएं बाजू की सोच तो है ही जहालत, ये पैदा ही जहालत में होती है। ब्रेक्सिट को वोट देने वाले लोग कौन से हैं? और दूसरी बात यह है कि ब्रेक्सिट एक सियासी मामला है। हिंदुस्तान में भी ऐसी होगा, अगर हिंदुस्तान में आज कांग्रेस आपको कमजोर नजर आ रही है, हो सकता है 10-15 साल के बाद वो फिर मजबूत हो जाए, और बीजेपी जो जिसने जो जो नारे लगाए हैं बीजेपी ने नौकरियों के और इक्तसादियात के, वो सब कल ही खुलती जा रही है, वो 10-15 साल के बाद वो सारी की सारी आपके सामने वाजी हो जाएगा, वो वापस जो डेमोक्रेटिक होते हैं वो मजबूत हो जाएंगे। अच्छा खट्टक साहब ये बताएं, अभी आपने सुना आतिफ भाई की बातें भी, अयाज सादिक साहब ने जो बातें की हैं उसको अभी जो बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करें तो हिंदुस्तान में इसको बड़ा पसंद किया गया, हर टीवी चैनल पर, हर अखबार में उनकी हेडलाइंस है, फ्रंट लाइन है, और वो कह रहे हैं जी ये सियाको सबाक से हट कर है। अवैस नूरानी साहब ने भी कहा जी सियाको सबाक से हट कर है, तो इनका आखिर सियाको सबाक वो है क्या आपके ख्याल में खट्टक साहब? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। ये जो अयाज सादिक साहब ने बात की है ये इतनी मामूली बात भी नहीं है। उन्होंने जो बात करनी जो करना चाहते थे वो उन्होंने अपनी बात की, उसके बाद जब इस तरह का रिएक्शन जब आ रहा है अवाम की तरफ से, मीडिया की तरफ से, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको डायल्यूट करने के लिए और उनकी पार्टी जो है वो भी उसको डायल्यूट करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रही है कि कोई सियाको सबात नहीं थी। उन्होंने सारी बात की और हम अवाम ने सारी बात उनकी सुनी। मैं कल सुन रहा था हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे खाकान अब्बासी साहब, वो कह रहे थे कि जी उन्होंने जज्बात में आके ये बात कर दी। अगर एक आम आदमी जज्बात में आके बात करता तो समझ आती है, एक आम आदमी उसकी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं हुई, उस तरह के यहाँ पे उस माहौल में नहीं रहा, मगर जो कि स्पीकर रहा हो और ऐसी मीटिंग्स में बैठता हो जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बातें हों, उसको इतना कच्चा दिमाग का होना नहीं चाहिए। अगर यही बात किसी वेस्ट के या किसी रिस्पॉन्सिबल मुल्क में की जाती तो ये आदमी या ये शख्स आज इस ओहदे पे ना बैठा होता और उसको डिफेंड करने वाले भी लोग ना होते। मैंने मुस्लिम लीग के कुछ लोगों को सुना है जिन्होंने उनको बिल्कुल कंडेम किया और बिल्कुल सीधे लफ्जों में कंडेम किया। हमारा एक दस्तूर बन चुका हुआ है कि हम गलत बात करते हैं और फिर गलत बात को हम जस्टिफाई भी करते हैं और फिर गलत बात को कहते हैं कि आगे पीछे उसकी जो बात थी वो सही थी, ये जो बात आप कर रहे हैं वो गलत है। जिस तरह अभी आतिफ साहब ने भी बीच में बात की, मैं थोड़ा सा इनसे इख्तलाफ करूंगा एक दो चीजों में कि जब ये मियार की बात करते हैं तो उस मियार के अंदर एक डिसिप्लिन भी होता है, उस डिसिप्लिन में भी आप रह के बात करते हैं। आप जाके जरूर बात करें, आप पार्लियामेंट में बात करें, आपके पास हर किस्म के फोरम होते हैं, मगर आपने क्या बात करनी है और किस ऑडियंस से बात करनी है उसका आपको जरूर ख्याल करना चाहिए। दूसरा, हमारा जो खित्ता है, जिस खित्ते में हम हैं वहां पे हमारे इर्द गिर्द, ये मैं नहीं कहता आज ही दुश्मन है, पहले भी दुश्मन थे, मगर हम अब उनको क्या दे रहे हैं, हमें अपना किला कितना मजबूत करना है, उसमें खामियां खूबियां हमारी हैं, मगर हमें कोई ऐसी बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे वो हमें फायदा उठाएं। मैं एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, वो एक आम आदमी या एक कौम की जो उनका जो मोराल होता है वो वेपन्स उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपना मोराल गिरा दें और आप अपने ऐसे लोगों को जो कि आपकी बात नहीं पसंद करते, जो आपका रहना पसंद नहीं करते, उनको जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो जो आदमी इस तरह की
छोटी बात करे वो उसका रिस्पॉन्सिबल है और उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। जी अच्छा आतिफ भाई, ये आपके ख्याल में इनकी खटक साहब की आपने बातें सुनी, डॉन लीक्स भी पाकिस्तान में हुई, उस पर आपको पता है वॉल्यूम 10 का बड़ा शोर मचा रहा कि इसको खोलें, इसके अंदर क्या है, लोगों को पता चलना चाहिए, तो क्या ये जो बातें अब यार सादिक साहब कह रहे हैं, जो एक रेटरिक बनाया जा रहा है, एक बिल्ड किया जा रहा है, ये सारा क्या उस तनाजर में देखा जाएगा? देखिए फिर मैं तो फिर वही कहूंगा, बात ये खटक साहब सही कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार ओहदों पर होते हैं उनको बात करते हुए आर्टिकुलेशन का ख्याल रखना चाहिए, तो उसमें तो दो राय नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक तो ये देखना चाहिए कि अयाज सादिक ने जो ये बात की है, जो उन्होंने डाइल्यूट करके भी बात की है, उसमें सच्चाई कितनी है। बतौर एक उस रियासत के शहरी के, उस रियासत के लोगों को यह हक हासिल है कि वो उस रियासत में ऊपर होने वाले फैसलों से आगाह हों। माजरा से एक आते भाई, सॉरी माजरा से, शायद आपकी नजर से नहीं गुजरा, असद उमर साहब ने भी, फवाद चौधरी ने, लोगों ने कहा है कि इस मीटिंग में जिसका ये जिक्र कर रहे हैं उसमें इयाज सादिक साहब मौजूद ही नहीं थे। तो ठीक है, अगर वो मौजूद नहीं है, इसमें इस सॉरी मैं माजरत के साथ कथा कलामी माफ, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, और मैं ये तो आपने असद उमर साहब की बात की, चले वो उनकी मुखालिफ पार्टी में, मगर मैं आपको ये बताऊं कि खाकान अब्बासी साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये बात, मैं भी उस मीटिंग में था, ये बात मीटिंग में नहीं हुई, शायद प्राइवेट बात हुई है जिसके ऊपर किया जा रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने अपना तबसरा किया है। बात सिर्फ कहने की ये है, बहुत सिंपल है, एक उन्होंने बहुत ही गलत, बहुत ही नाजायज बात की है, उनको ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ऐसे लोगों की एग्जाम्पल बनाए जो कि वाकई एक जिम्मेदार ओहदों पे थे और उसके बाद वो इतनी ज्यादा गैर जिम्मेदारी कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल में कल को हमें बहुत सी इस तरह की प्रॉब्लम से हमारी निजात हो जाएगी, जब तक हम किसी ना किसी के एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे। एंड दिस इज आई थिंक अ प्योर केस ऑफ मेकिंग एग्जाम्पल। जी सॉरी आतिफ भाई, आप कह रहे थे। जी ये तो मैं अर्ज ही कर रहा था कि देखिए, अगर इसमें कोई कोई कानून शिकनी हुई है कहीं, उस कानून शिकनी रियासत का दस्तूर है, रियासत का कानून है, उसके मुताबिक सजा दी जाना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स, आपको पता है पॉलिटिकल लीडर्स हमारे यहाँ, उनकी उनके यहाँ ये प्रॉब्लम है आर्टिकुलेशन की। आप कल ही के दिन जो फवाद चौधरी हैं, उन्होंने बयान दिया, और वो अगर वो वहां पर पार्लियामेंट में मौजूद लोग चीख के उन्हें मुतला ना करते, आप अगर वो वीडियो देखें तो नजर आएगा आपको कि लोगों ने वहां पर, जो पार्लियामेंट में मौजूद लोग हैं, उन्होंने उनको मुतला किया कि पुलवामा से हमारा ताल्लुक नहीं है, भैया आप कहाँ ले गए। मामला ये कि हमारे यहाँ जज्बातियत में आर्टिकुलेशन का ख्याल नहीं रखा जाता। हमारे यहाँ कई टीवी मुबाहिसों के अंदर साबिक जजेस ने बैठ के, साबिक जर्नलों ने बैठ के जाने क्या क्या बातें कर दी। हमारे यहाँ वो जो जो कॉन्सेप्ट है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का, या जब आप किसी अहम ओहदे पर होते हैं और आपको बतौर उस आपको बतौर शख्स नहीं बल्कि बतौर ओहदा या बतौर दफ्तर आपको जो मालूमात मिलती हैं, आप उनका तहफ्फुज नहीं कर पाते। हमारे यहाँ अभी तक वो माशरती ट्रेनिंग नहीं है जो जिम्मेदारी जिससे जुड़ी होती है। लेकिन फिर वही बात है, बात यह है कि लॉ ऑफ द लैंड उसको उसको सुपीरियर होना चाहिए, वो तय करता है, वो तय करेगा कि जहां वो टूटेगा वो लॉ ऑफ द लैंड उसके मुताबिक किसी शख्स को दुरुस्त या गलत और सजा या जजा का फैसला उसकी बुनियाद पर करना चाहिए। आतिफ भाई यहीं पे लॉ ऑफ द लैंड की अगर बात करें तो आर्टिकल 6 इस बारे में बड़ा क्लियर है कि जिसमें तो बगावत के जुमरे में ऐसी बातें आती हैं, उसको डिफाइन अगर करें तो आपके ख्याल में क्या अयाज सादिक साहब की असेंबली की रुकनियत खत्म हो सकती है? नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। आर्टिकल 6 जो है, आर्टिकल 6 का पहला सेक्शन ये है, शिक ये है कि जो कोई शख्स ताकत के जोर पर इस दस्तूर को मुअत्तल या मनसूख करे वो संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। वो तो एक अलग मामला है। मेरी राय में अगर हमारे यहाँ इन दिनों गद्दारी का बड़ा ना आसान तरीका कर दिया कि जो शख्स भी बात पसंद नहीं आएगी। अब मसला यह है कि असद दुरानी ने अगर रॉ के चीफ के साथ, साबिक चीफ के साथ एक वो लिखी है, तो फिर तो आप उस पर भी लगा सकेंगे। मसला देखना यही होगा ना कि आप क्या कह रहे हैं, किस लिहाज से कह रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा आपको। कॉन्टेक्स्ट के बगैर तो बात करना मुश्किल हो जाएगा। मसला ये कि एक तरफ आप उस हद तक चले जाते हैं कि मुल्क का दस्तूर तोड़ने वाला है, जिसने सबसे बड़ा, जो किसी रियासत का सबसे बड़ा जुर्म होता है वो है दस्तूर तोड़ना। एक तरफ आप इतने रिलैक्स्ड हैं कि एक शख्स ने आपकी रियासत का दस्तूर दो बार तोड़ा है और आप कहते हैं जी कि उसको सजा जब दी गई तो आपने कहा जी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, उसने तो जंग लड़ी। यहाँ पर दूसरी तरफ सॉरी, यहाँ पर जैसे आपने डिफाइन किया कि मुआवनीन को भी सजा देनी चाहिए, तो वो लोग जो दस्तूर तोड़ने वाले हैं उनके मुआवनीन जो उन्हें वहां तक लाए, जिनकी नर्सरियों में वो पल कर बड़े हुए, तो फिर तो ये सारा दस्तूर उन पर भी लगेगा।
जिसने भी दस्तूर तोड़ने में मदद की है, दस्तूर तो वाज़े तौर पे कह रहा है ना, जिसने भी दस्तूर तोड़ने में यानी दस्तूर की मनसूखी में या दस्तूर की मुअत्तली में मदद की है, वो दस्तूर तोड़ने वाले जितना ही मुजरिम है। बस सादा सी बात है, ये तो लिखा हुआ है, या तो इसको तब्दील कर दें, और जब तक लिखा हुआ है तो उसको मानना पड़ेगा ना। बहुत सारी देखिए कानून में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे हम इत्तेफाक नहीं करते, इत्तेफाक ना करना या उसकी उससे उससे इख्तलाफ करना और बात है, लेकिन उसको इख्तलाफ करने के बावजूद आप उसको मानना पड़ता है क्योंकि वो लिखा हुआ है। मेरी राय में वो एक इन दिनों जिस अंदाज से बगावत का और गद्दारी के जो मुकदमा चल रही, बिल्कुल वही तरीका है जो ईस्ट इंडिया कंपनी में या बरतानवी राज में होता था। ये आजाद रियासत का ये उसूल नहीं होता जी। अच्छा आते भाई, आजाद रियासत में जो आपने बात की, तो अगर इस वक्त हम देखें तो जिस तरह तीन बार के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सरेआम जिस तरह वो जिक्र करते हैं अपने इदारों का, स्पेशली फौज पाकिस्तान का, जिस तरह वो अपने जलसों में उनके नाम ले लेकर बातें करते हैं, तो क्या ये सारी बातें उनके एजेंडे पर अगर देखा जाए तो लोग कह रहे हैं वो यहाँ पर जमहूरियत बचाने के लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है नहीं वो अपनी करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर इसको हम किस तनाजर में देखेंगे? दो चीजें देखिए ना, करप्शन देखिए, करप्शन तो हम 1990 से नारे सुन रहे हैं, मुझे तो अब तक नहीं पता चला कि अब तक करप्शन किस पर अदालत में साबित करके उसे बाकायदा तौर पर एक शफाफ निजाम के तहत सजा दी गई हो या कोई पैसे वापस आए। हमने बेनजीर की करप्शन के किस्से सुने, मिस्टर 10% जरदारी सुना, फिर नवाज शरीफ, फिर सजा क्या हुई है? बतौर पाकिस्तानी मुझे क्या फायदा हुआ उन सारे जुमलों का? कोई पैसे वापस आए हो, कुछ हुआ हो, कुछ नहीं हुआ, तो ये तो जुमलेबाजी आम बात। लेकिन वो देखिए जो आपका बुनियादी सवाल ये ना कि अफवाज पाकिस्तान, देखिए अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान का एक दस्तूरी दायरे में काम करने वाला एक महकमा है, और वो तय ये होगा कि जो कोई भी शख्स वो पाकिस्तान के किसी भी महकमे पर अगर कोई भी तनकीद कर रहा है तो वो तनकीद आईनी एतबार से क्या है। मैं अगर ये कहता हूं कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के दस्तूर के तहत बनने वाला इदारा है, इसलिए पाकिस्तान के दस्तूर के तहत वो काम करे, तो क्या ये फौज पर तनकीद होगी? पाकिस्तान के खिलाफ तब कोई बात होगी जब मैं उस दस्तूर के खिलाफ बात करूंगा। दस्तूर में फौज का दायरा दर्ज है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ, मैंने जितनी भी तकरीरें सुनी उन्होंने उस दस्तूरी दायरे के बाहर तो कोई बात। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो मियां साहब तकरीर कर रहे हैं, जैसे अभी आतिफ तौकीर साहब ने भी मेंशन भी किया, तो आपके ख्याल में उनकी तकरीर में, उनकी बातों में, उनके बयानिए में कोई ऐसी बातें हैं जो रियासत के अगेंस्ट जाती हैं या इवन गद्दारी के जुमरे में भी आती हैं? देखिए पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे आखिर आपने मुझे मौका दे ही दिया। इसमें काफी बातें थी क्योंकि आतिफ साहब ने काफी बातें की, मैं जरूर उसमें अपना पॉइंट जरूर कहना चाहता था, मगर आप कोशिश कीजिएगा मुझे याद रखिएगा उसमें ताकि मैं कुछ बातें भूल ना जाऊं। उसकी वजह ये, देखें दस्तूर की बातें करना बहुत अच्छी बात है और मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूं, ये जो बात कर रहे हैं ना ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और ऐसे ही होना चाहिए, मगर ये सिर्फ एक बंदे के साथ या एक इदारे के साथ सिर्फ नहीं होना चाहिए, हर बंदे को दस्तूर में रहना चाहिए। जब वो खुद उनसे दस्तूर तोड़वाते हैं तो उस वक्त सब ठीक होता है, जब उसके बाद उनके लिए जिंदगी या उनके लिए उनका रास्ता बंद हो जाता है तो फिर उनको दस्तूर याद आ जाता है। मैं जिस तरह इन्होंने पीडीएम कहा कि पीडीएम दस्तूर के खिलाफ बात नहीं करी, बिल्कुल पीडीएम एक हकीकत है, एक ओपोजिशन है जिनको हर वो एंगल लेना चाहिए जिससे उनको फायदा हो सकता है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि वो दस्तूर में या वो ऐसी बातें करें कि जब वो हकूमत में थे तो उस वक्त वो उसी साइकिल का या उसी प्रोसेस का हिस्सा थे और उसको वो इस्तेमाल करते थे। मैं इस बात को उसको इस्तेमाल करते थे और वो फिर उससे फायदा लेते थे, जब उनका फायदा वहां से खत्म हुआ तो वो दस्तूर का उन्होंने लाठी लेना तो उसकी बैसाखी पे आ गई। बात यह है कि आप अगर ऑपोजिशन में है कोई कितनी अच्छी बातें कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको हकूमत में भी आके इतनी अच्छी बातें करनी चाहिए। अगर आतिफ साहब आज हकूमत में नहीं है, ये दस्तूर की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं इनके साथ पूरा एग्री करता हूं, मगर वो लोग जिन्होंने आज तक इस सारे सिस्टम को, इस सारे निजाम को अब्यूज किया, इसको इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, ज्यादा फायदे के लिए, वो आज हमें सबक देंगे तो हमसे वो ये बातें नहीं सुनी जाएंगी। ठीक है, आप अगर एक, मैं आपको आपके अगर एक मोहल्ले में एक आदमी बदनाम हो जाए और वो फिर आपको आके लेक्चर दे ईमानदारी का, तो आप उसे कहते हैं बात तो आप ठीक कर रहे हैं मगर आपके मुंह पे नहीं जचती। तो मैं ये बात इस तरह करता हूं कि इन लोगों को ये बात नहीं करनी चाहिए। कोई नया बंदा आए, कोई साफ शफाफ बंदा आए, बिल्कुल ये बातें होनी चाहिए और इसी तरह ही हम आगे जाएंगे। तो ठीक, अच्छा ये बताएं कि जो अभी आपने बात की कि वो सारे लोग, खटक साहब, तो अल्ताफ हुसैन साहब हो गए जिस तरह बानी मुतहदा, मियाँ साहब हो गए, जरदारी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने बिलवास्ता या बिलावास्ता
तमाम इस प्रोसेस में मदद की यहाँ तक पहुँचने में, जिन लोगों के बारे में आज ये बात करते हैं, तो आपके जो कहना चाह रहे हैं, क्या इन लोगों को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए पहले अपने गुनाहों पर, फिर ये कहें कि अच्छा ये बातें नहीं होनी चाहिए दोबारा? आपकी बात से थोड़ा सा इत्तफाक करूंगा। ये जितने आपने लीडरान की बात की, ये सारे वो हैं जिन्होंने इस सिस्टम को अब्यूज किया है, ये सारे वो हैं जिन्होंने इस सिस्टम को खराब किया है, और इस हद तक खराब किया है कि हमारे लिए भी अपने पैरों पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। अल्ताफ हुसैन साहब देख लीजिए, जब तक इस सिस्टम का वो फायदा लेते थे वो सारे वही काम करते थे और सब कुछ ठीक था। जब वहां से सिस्टम ने उनको फीड करना छोड़ दिया तो उसके बाद उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की जो एक आम आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। नवाज शरीफ साहब ने भी बिल्कुल ऐसे किया, बिल्कुल इसी डगर पे वो चलना शुरू हो गए। दत्तारी साहब मैं समझता हूँ वो काफी समझदार है, उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की मगर उसके बाद उन्होंने उसको रिकवर कर लिया। अभी आजकल आप मौलाना साहब को देखें तो मौलाना साहब भी हल्की बात करते हैं मगर मौलाना साहब में इतनी जान नहीं है कि मौलाना साहब बिल्कुल फुल उस पर फ्रंट फुट पे आके ये सारी बातें कर सके। मैं वैसे ये समझता हूँ कि उनको जरूर माफी मांगनी चाहिए, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, और माफी मांगने के बाद साइड पे हो जाना चाहिए। उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो नई कोई चीज नहीं लेके आएंगे, वो उसी पुराने सिस्टम को लेके आएंगे जो आज तक हम बर्दाश्त करते रहे। ठीक है, तो मैं नहीं समझता माफी मांग के वो अपना और कोई काम करें तो ज्यादा बेहतर। अच्छा आतिफ भाई, एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तकरीर की और उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा कि मैं जो है मियां साहब को वापस लेकर आऊंगा। उन्होंने फिर इंटरव्यू में भी कहा, मुंह पर हाथ फेर कर भी कहा, जिसका हामिद मीर साहब ने इंडियन चैनल्स पर बैठ के बड़ा मजाक भी उड़ाया, उन्हें लुच्चा गुंडा तक कहा। माजी में इमरान खान साहब जो थे वो बानी मुत्तहिदा को भी वापस नहीं ला सके, तो क्या नवाज शरीफ साहब को वापस ला सकते हैं? नहीं, अब ऐसा नहीं है। देखिए पाकिस्तान, हमारे यहाँ तो ये समझा जाता ना कि जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है उस तरह दुनिया भर चल रहे हैं। तो देखिए यूरोपीय मालिक में निजाम चल रहा होता है, फर्द नहीं चलता, आपकी जाती कुवत का कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हमारे बहुत करीबी बहुत अच्छे दोस्त हमारे वो कुछ दिन पहले यहाँ जर्मनी आए, कुछ लोग हमें जानते हैं यकीनन, लेकिन हम उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं ला पाए, इसलिए कि कोरोना की वजह से जो बंदिश है वो बंदिश है, वो सबको मानना पड़ेगा। तो कहना यह है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जो सिस्टम है या जिस निजाम के तहत जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि बरतानिया नवाज शरीफ साहब को वतन वापस रवाना करेगा। जी अच्छा खट्टक साहब, इन्होंने अभी बात की थी आतिफ भाई ने कि जितने लोग भी करप्शन पर पकड़े जाते हैं इनको सजाएं नहीं मिली आज तक, किसी को एक को भी, बेनजीर साहिबा के दौर से लेकर सुनते आ रहे हैं अब तक, तो इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिलती? उसकी वजह ये है कि जो सिस्टम जिसमें वो रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये सिस्टम बनाए हैं। देखिए मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि मैं बैठ जाऊं और मैं कहूं ये सारे चोर हैं, मैं सिर्फ इस बात को आपके सामने रखता हूं कि आप ये देख लीजिए कि ये लोग ठीक है, इनके ऊपर दूसरे प्रेशर भी थे मगर इन्होंने भी हुकूमतें की है। आज उनका रिजल्ट आप देख लीजिए, आपके सामने सारी बात वाजे है। हम क्यों किसी को कहें वो चोर है, वो ये है, वो है, इन्होंने अपने लिए वे आउट बना के रखे हैं, इन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम में भी वे आउट बना के रखे हैं, और पाकिस्तान में अगर इनका सिस्टम बंद हो जाता है या इनका कोई ऐसा रास्ता जहां से ये निकलना इनका 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 मुश्किल होता है, तो इनको पता होता है कि हम बाहर जाएंगे। ये जो सो कॉल्ड बाहर हम एजुकेटेड या हम जो ये मॉडर्न कंट्री समझते हैं, इन्होंने इन सारे लोगों को पनाह दी होती है अपने फायदे के लिए। ठीक है, इन्होंने अपने फायदे के लिए पनाह दी होती है, सिर्फ पॉलिटिकल। देखें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अभी आतिफ साहब ने कहा कि जी वो पाकिस्तान में जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, आप मुझे बताएं कि आप अगर किसी बाहर के मुल्क में जाएं और आपको विजिट वीजा पे जाएं और आपके बारे में वहां की गवर्नमेंट ने लिखा हो कि ये कन्विक्टेड है या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आपको पता है कि आपको वहां एयरपोर्ट से ही वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है? नवाज शरीफ साहब में कौन सी ऐसी बात है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस नहीं आ सकते? मैं ये बात ये नहीं कह रहा कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं जो कि बैरूनी कुवतें हैं, ये भी इस्तेमाल करती हैं। इनके लिए तो ये वो मोरे हैं जो आएंगे अपने साथ नेशनल सीक्रेट्स लेके आएंगे, उनको आप बचाने की बात करेंगे तो ये अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। इनको जरूर आना चाहिए पाकिस्तान वापस, इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की कोई बात नहीं है। अगर हमारी अदालतें भी गलत हैं, अगर हमारे हमारी फौज भी गलत है, हमारी हुकूमत भी गलत होंगी उनमें कसूर, फिर उनको पाकिस्तान वापस आके करना क्या है? सियासत भी करने की उनको कोई जरूरत नहीं। आज तक अगर वो कुछ ठीक नहीं कर सके तो उनको कोई हक नहीं है वो पाकिस्तान की बात करें।
बिल्कुल सही। अच्छा आतिफ भाई, ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी परफॉर्मेंस को, महंगाई के इशू को छोड़कर अगर देखें, क्योंकि अब तो कुछ लोग भी अगर शादी ब्याह पर भी इकट्ठे हों तो वो ये कहते हैं महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल आप इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान एक मार्शल लॉ के अंदर है। पाकिस्तान में जितने भी सिविलियन इदारे हैं वो मुसलसल उनको उनकी तौहीन और तजली हो रही है। दस्तूर इस वक्त बिल्कुल दस्तूरी जमानतें जो हैं, जिनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज होती हैं, जो सिविल लिबर्टीज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, वो तमाम की तमाम इस वक्त मुअत्तल हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कोई जमहूरी स्ट्रक्चर नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया उसको वो बिल्कुल अपनी कम तरीन, जो बिल्कुल मार्शल लॉ के दौर या शायद उससे भी बुरी हालत में है इस वक्त। आपको नजर आ रहा है कि एक पार्लियामेंट है, आपको नजर आ रहा है कि काबीना है, जो हकीकत में कोई बिल्कुल कठपुतली से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखती। इस वक्त पाकिस्तान में तमाम की तमाम जो कुवत है वो बराह रास्त फौज के पास है। जहां पर भी खटक भाई ने बात की, देखिए बात यह है, ये कह रहे ना कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही है, बात यह है कि हम पिछले, मैं फिर बता दूं, 90 की दहाई में मैं टीनेजर था, मैंने तब से सुनना शुरू किया है कि फलाने चोरी की है, फलाने चोरी की है। हमारे मायारात देखिए कितने कमाल के हैं। एक तरफ नवाज शरीफ साहब हैं, एक तरफ हमारे मायारात ये हैं कि 1947 से पहले जो पाकिस्तान जब तखलीक हुआ और उस वक्त जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनमें नवाज शरीफ साहब की फैमिली की इंडस्ट्रीज मौजूद थी। 1971 में जब बड़ी बड़ी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज कौमियाई गई, यानी जब उनको नेशनलाइज किया गया, तो उस वक्त उस नेशनलाइजेशन में जो इंडस्ट्रीज आई उनमें भी इत्तेफाक फाउंड्रीज और जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली की इंडस्ट्रीज मौजूद थी। इसका मतलब है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी। अब एक तरफ आपका मयार ये है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री का कोई मालिक हो, वो चंद मिलियन यूरो के, अपन चंद मिलियन डॉलर्स के वो फ्लैट नहीं ले सकता। दूसरी तरफ आपका मयार ये है कि वजीर आजम इमरान खान साहब की बहन है, उनके पास अरबों रुपए हैं, वो ठीक है। ये आसिम बाजवा साहब के पास अरबों रुपए हैं, ये ठीक है, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं कारोबार से। लेकिन ये तो हमारे यहाँ मयारात देखे ना, ये पाकिस्तान, अभी इन्होंने बात की करप्शन, पाकिस्तान का मसला ही नहीं है भाई। पाकिस्तान में कोई भी सिविलियन इदारा होगा, मैं बड़े यकीन से कह रहा हूँ आपको, पाकिस्तान में कोई भी सिविलियन इदारा होगा, फौज उसको किसी सूरत नहीं खड़ा होने देगी, फौज उसको तोड़ देगी। मैं आपको मिसाल से बात करता हूँ, मोटर वे पुलिस। सॉरी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें, मगर मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। ये काफी सख्त स्टेटमेंट है आपकी, फौज पाकिस्तान की फौज है और मेरे नहीं ख्याल के कोई भी सिविलियन इदारा खड़ा होगा और पाकिस्तान की फौज जो है ना वो उसको तोड़ देगी। इतनी सिंपल बात नहीं है, बट ठीक है, आप करें कंटिन्यू, बट इतनी सिंपल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। पाकिस्तान देखिए ना, पाकिस्तान में पाकिस्तान की अदालतें हैं, उन अदालतों पर नजरिया जरूरत का जितना बोझ फौज ने डाला है, फौजी आमिरों ने डाला है, वो किसी ने नहीं डाला। पाकिस्तान में अगर आज पाकिस्तान की अदलिया कमजोर है तो उसकी बुनियादी वजह फौज है। पाकिस्तान में मीडिया सहाफियों के साथ, सहाफियों पर जो जुल्म पाकिस्तान की फौज ने किए हैं, सहाफियों के लापता होने में कोई सियासतदान मुलव्वस नहीं है, सहाफियों के कत्ल करने में वो सलीम शहजाद हो कि वो मुतीउल्लाह जान हो, बराह रास्त फौज मुलव्वस है। अब आप ना माने, हम भी कराची में पले बढ़े हैं। देखिए बात ये, कराची में जब हम थे ना तो उस वक्त एमकेएम बड़ी मजबूत हुआ करती थी और हमें कहा जाता था नहीं कुछ नहीं है, एमकेएम तो नहीं करती है काम, लेकिन कराची में रहने वाला हर आदमी जानता था कि कौन क्या करता है। कराची में रहने वाले हर आदमी को पता था कि कौन भत्ता लेता है और कौन नहीं लेता है और किस तरह से सेक्टर। फैसला बराह रास्त अदालत करती है, हमें नहीं करना चाहिए। हम अगर करेंगे तो ज्यादती करेंगे, हम करेंगे तो वो जो कैंपेन चल रही होती, सुनिए ना, हम अगर करेंगे तो कैंपेन चल रही होती, उसका ऐसा बात यह है एमकेएम जो ग्राउंड पर थी वो तो करती थी, क्योंकि हम तो उसके विटनेस हैं। अब वो अल्ताफ हुसैन के कहने पर करती थी कि नहीं करती थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो वहां पर जो सेक्टर्स थे, यूनिट्स थे, वो कर रहे होते थे, हमें पता है ना। ये आपने दूसरी बड़ी सिंपल बात कर दी है कि जो है ना अल्ताफ हुसैन साहब को नहीं पता था कि ग्राउंड पे क्या होगा। अल्ताफ हुसैन साहब इतने वीक थे अपनी पार्टी के मामले में कि नीचे उनके लोग जो मर्जी करें। मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ये साबित करना उन पर कि ये अल्ताफ हुसैन शामिल थे या नहीं शामिल थे, ये साबित करना अदालत में
वो ये तो इस्तगासा का काम है ना, मेरा काम तो नहीं, मेरा तो बुनियादी काम ये है कि मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकता हूँ। बात यह है कि पाकिस्तान में, मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बता रहा हूँ, पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त सियासतदान हैं, ये सारे के सारे सियासतदान में से बड़ी तादाद वही है जो फौजी गेट नंबर 4 बकौल शेख रशीद के वहां से आए हैं। अदालतों का जो जितने भी अदलिया का हाल है वो आपके सामने है, साफी साफत का इदारा है वो आपके सामने है, जो जो पाकिस्तान में सिविलियन इदारा तबाह हाल है, आप उसको खोलें आपको नजर आएगा कि जी पीछे फिर अब आप फौज का इंस्टीट्यूशन है। पाकिस्तान में फौज सिर्फ एक इदारा नहीं है या महकमा नहीं है, फौज पाकिस्तान में एक बिजनेस एंटिटी भी है, और इस बिजनेस एंटिटी के बेशुमार मामले, उसके उस पॉलिटिकल जो इकोनॉमी है उसमें इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, तो हमें समझना पड़ेगा, हम इसको आइसोलेट करके नहीं देख सकते। ठीक, अच्छा इसका मतलब तो यात्री भाई आपकी सारी बात से अगर मैं थोड़ा सा इसका लुबे लुबाव निकाल के खट्टर साहब आपके सामने ये सवाल रखता हूँ कि अगर 1980 से पहले देखें हम, तो उस वक्त वो लोग जो थे किसी किस्म की करप्शन में मुलविस नहीं थे। 1980 के बाद शायद लोग आदी हो गए जब मियां साहब की सियासत में एंट्री हुई कि लोगों ने करप्शन को करप्शन समझना छोड़ दिया, हम ये समझे। और इन्होंने कहा आते भाई ने भी जैसे कि मीडिया तबाह हो गया है, इदारे सारे तबाह हैं, फौज मुल्क चला रही है, विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो खटक साहब क्या ये सब कुछ हो रहा है, इसका आप जवाब तफसील से दे। देखिए मैं इनकी कुछ बातों से तो इत्तफाक करता हूँ, मगर ये एक तरफ तो काफी इनका हैवी हैंड है और दूसरी तरफ ये काफी सिंपल हो गए हैं कि जी अदालतों के पास जाना चाहिए, और जिस तरह की इन्होंने अल्ताफ भाई की बात की कि उनको अदालतों में साबित करना चाहिए। बात यह है कि हमें अल्ताफ भाई का भी पता था कि उन्होंने क्या करते रहे हैं, हमें ये भी पता था कि वो किस तरीके से जब टेलीविजन पे आते थे और किस तरीके से उनका जो ना हमें वो बातें सुननी पड़ती थी जो कि शायद हम आम हालात में कोई दोस्त भी ना रखना पसंद करें, मगर वो बातें सुननी पड़ती थी। वो जो दो दो तीन तीन घंटे की जो तकरीर थी, अब मुझे नहीं पता कि वो नीचे कारकुन करवाते थे कि वो अल्ताफ भाई करवाते थे खुद से, मगर कुछ ना कुछ था। मेरा अब नहीं बता रहे तो एक अलग बात है, या अगर उनको नहीं समझ रहे, उन्होंने उस तरह का नहीं देखा, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो इन्होंने दूसरी बात की उसमें कोई सदाकत नहीं है, मगर इसमें भी थोड़ी सी सदाकत डालेंगे तो बात में जरा हमारी सबकी बात में वजन आ जाएगा। बात यह है कि सिविलियन इदारा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्या आप समझते हैं सहाफी इतने सारे आपकी जो बरादरी है या आप जिनके साथ हुआ, क्या वो इतने शरीफ हैं कि वो कुछ गलत बात नहीं करते? उनको अगर किसी बात पे रोका जाए, मतीउल्लाह जान साहब, मैं मतीउल्लाह जान साहब को बड़े बड़े अरसे से मुझे वो बड़े पसंद थे, उनका जो बात करने का जो तरीका था, वो जितने बोल्ड थे, ठीक है, शायद वो आर्मी से आए थे उस वजह से भी शायद उनके अंदर कॉन्फिडेंस काफी था, वो बहुत अच्छे थे, मगर एक डिसिप्लिन भी होता है। आप कहां तक कोई बात करते हैं, आप किस लेवल तक जाते हैं, आप मुझे बताएं। ये आप जो आजाद सहाफी की बात करें, कभी आपने अमेरिका के किसी सहाफियों को अपने मुल्क के बारे में इस तरह की बातें करते देखा? कभी आप ब्रिटिश उसमें चले जाएं, कभी उन्होंने इस तरह की बातें करते देखा? कभी वो ऐसी बात नहीं करें, कोई बात करेंगे मगर उसको डिफ्यूज कर देंगे, पूरी कंपेन नहीं चलाएंगे। तो ये जो लोग ये जो लोग है ना, सवाल पे आए ना इस पर, यह देखिए अगर कैंट से आप 3 किलोमीटर दूर जाए तो वो एरिया स्टार्ट होता है जहां पे आर्मी नहीं है, वहां पे सारी जिंदगी सियासतदान रहे, उन इलाकों का आप हाल देखे, क्या फौज ने उन्हें मना किया हुआ था कि इदारे मत बनाएं, इदारों को तोड़ दें? अदलिया को फौज ने क्या मना किया हुआ था कि आप ना करें, जैसे जस्टिस फायज ईसा साहब की प्रॉपर्टी है, क्या फौज ने कहा था? मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि पाकिस्तान में फौज एक ऐसा इदारा है जो कि बहुत डिसिप्लिन है, ठीक है, और वो एक अपने निजाम को बहुत अच्छे तरीके से चलाता है, इस वजह से शायद आज तक पाकिस्तान वो अपना इदारा वो पाकिस्तान में वो चल रहा है। बाकी कोई इदारा बता दीजिए कि जिसमें आप जाएं और आप कहें कि नहीं ये इदारा वाकई बहुत अच्छा चल रहा है, इसके बाद इसको किसी ने खराब किया। आप पुलिस में चले जाएं, आप PIA में चले जाएं, आप गैस में चले जाएं, आप जहां पे पैसे नहीं देंगे वहां पे आपका काम नहीं होगा। मैं बाकी ऐसी मैं आपको इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करता हूँ जहां पे मैं रहता था, आप यकीन माने मुझे अपने छोटे से पुलिस के काम के लिए भी मुझे किसी बड़े बंदे को बात करनी पड़ती थी जो मैं नहीं चाहता था करने के लिए। तो फौज में ऐसा मुझे पाकिस्तान से पुलिस चेक लेना था, आप यकीन माने मुझे साफ साफ कहते हैं अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपका ये काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी मैं पहली दफा पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, कहते नहीं जी आप पहली दफा आ रहे हैं या आप 10 दफा आए। तो बात कहने का मतलब ये है कि जो सिविलियन इदारे हैं उन्होंने कभी अपनी साख बनाई हो तो कोई उसको तबाह करे, जब वो एक गैप छोड़ देते हैं तो उसके बाद कोई एक ऐसा इदारा जरूर आता है। नहीं आना चाहिए फौज को मगर उसको इंटरवीन करना पड़ता है क्योंकि उसके अलावा कोई और है नहीं। अभी आप छोटी सी मिसाल दे दें पाकिस्तान में, ये जो आपका जो शुगर माफिया जो काम कर रहा है, जो शुगर माफिया काम कर रहा है,
अब आखिर में क्या हल होना चाहिए? आप जो मर्जी कर लें, उन्होंने अपनी कीमत बढ़ानी है, उनके पास वो सारे टूल्स हैं, वो सारे इदारे हैं, वो सारे लोग हैं जिनके साथ वो ये काम करते हैं, तो फौज को आखिर में शायद एज ए लास्ट रिसोर्ट आना पड़ता है। मगर मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, मैं बिल्कुल भी फौज के हर कदम की, हर उसके स्टेप की मैं हिमायत नहीं कर रहा, मगर इस तरह फौज को हर चीज का मुजरिम ठहरा देना कि बाकी लोग इसलिए नहीं काम कर रहे कि फौज ने किया, मैं इसको बिल्कुल गलत समझता हूं। बाकी लोग काम करते ही नहीं है, तो जब फौज बीच में इंटरवीन करती है तो ऑफकोर्स उसके ऊपर ब्लेम चला जाता है। जी अच्छा आते भैया, इम्पोर्टेंट सवाल बस आप। मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐड कर दे कि पाकिस्तान में सियासत में आएगा ही वो जो कमजोर होगा, जो करप्ट होगा, जो फौज इसको अप्रूव करेगी, जो जेन्युइन लीडर होगा, अवाम का नुमाइंदा होगा, फौज किसी सूरत उसको आगे नहीं आने देगी। आपने अभी मैंने आपको बताया ना, ये शुरू होती है सिलसिला फातिमा जिना से और ये चलता है मंजूर पश्तीन तक। जो आदमी भी करप्ट नहीं होगा, जो सीधा खड़ा होकर बात करेगा, जो क्लियर कट कहेगा कि इस मुल्क के मसाइल ये हैं, उसके बारे में आप एक और चीज देखिए, पाकिस्तान में आज तक कोई एक भी सिविलियन ऐसा नहीं है, एक भी नहीं, बशमूल अदीब रिजवी, बशमूल एदी, ऐसा एक भी सिविलियन नहीं है जिसकी कोई भी जरा सी भी अवाम के अंदर उसकी मकबूलियत हो और उसके बारे में कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात ना हो, कोई साजिशी नजरिया मौजूद ना हो, कोई कैंपेन ना हुई हो, ऐसा एक भी नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसा एक भी जर्नैल नहीं है जिसने मुल्क तोड़ दिया हो लेकिन उसके बावजूद कोई इस पर एक जुमला भी कहता हो। आपको समझना पड़ेगा, आपको एक दिन खुल के बोलना पड़ेगा साहब, अपनी कौम से झूठ बोलने की एक हद होती है। आपको अभी इन्होंने कहा कि कोई ऐसा इदारा जो अच्छा, और हमारे देखिए मैंने तो आपको मिसाल दी है ना अगली, और मैं आपको अपने सामने की मिसाल, जो ये तो पिछले 30 साल में हमारे यहाँ 14 करोड़ बच्चे पैदा हुए, इनको पता ही नहीं है कुछ कि पहले क्या हुआ है। ये तो जब इनमें से जो 30 साल में जो सबसे बड़ा बच्चा होगा ना 1990 में जो पैदा हुआ है, वो भी सिर्फ 9 साल का था जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, उसको पता ही नहीं होगा। बात ये है, समझिए, अभी की बात ये है कि मोटरवे पुलिस में जब भी पाकिस्तान जाता था, मुझे कहा जाता है यार मोटरवे पुलिस बहुत अच्छी है, आते भाई वो जजों के इंटरव्यू चालान कर लेती है। हमारा एक क्रिकेट स्टार है, क्रिकेटर, पाकिस्तान में 11 खिलाड़ी होते हैं, वो हर आदमी एक स्टार होता है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता। उस बंदे ने कहा कि आतिफ भाई मेरा 2 दफा चालान कर दिया उन्होंने, और उसमें तो एक दफा तो उसने चालान करने के बाद मुझसे कहा ऑटोग्राफ भी दे दें, मैं आपका बहुत पसंद करता हूँ लेकिन चालान फिर भी होगा। उसके बाद उसमें उस मोटरवे पुलिस ने एक कैप्टन को रोका, उस कप्तान ने उसको मारा, उसके बाद कमांडोज बुला लिए, उसको वहां उन्होंने उसकी वर्दी फाड़ी, उसको उठा के लेके गए वो करीबी फौजी अड्डे में, उसकी पिक्चर्स बना के वो सोशल मीडिया पे भेजी उन्होंने, यानी तजलील की कोई हद होती है। और उसके बाद आप बताइए क्या, उसके बाद मैंने कभी नहीं सुना कि मोटरवे पुलिस ने कोई ठीक काम किया। अच्छा, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है, ऐसे ही हुआ था। वो जो कैप्टन साहब थे उन्होंने वहां पे ज्यादती की थी, मगर मैं आपको अब अपने तजर्बे से ही बात बताता हूँ कि फौज में इतना आसान नहीं है। एक कैप्टन, एक मेजर, एक कर्नल जब बाहर जाके कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसको वापस आके जवाब देना पड़ता है। आपको क्योंकि नजर नहीं आता, आपको पता नहीं है, उनकी आगे तरक्कियां नहीं होती, उनकी प्रमोशंस नहीं होती। जिस तरीके से आपके यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं ना कि हमारी ACR खराब ना हो जाए, इसी तरह आर्मी का भी एक सिस्टम है। आप ये मत समझिए आर्मी सिर्फ शोर नहीं करती, मीडिया में आके बताती नहीं है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप एज एन ऑफिसर इफ यू गो आउट और आप सिविलियंस के साथ जाके कोई इस तरह की ज्यादती करें और वापस आए और आप जवाब दे नहीं होंगे, आप जवाब दे होते हैं। आपने जरा हमने तो आप एक एक बात का जवाब देना पड़ता है जी। हमने पाकिस्तान का दस्तूर तोड़ने वाले को अदालत की तरफ से सजाए मौत होती है और उसको फौज की तरफ से कहा गया ही नहीं, ये तो गद्दार नहीं है, ये हमने तो सामने देखा है, आप क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो सब मैंने कहा ना, रियासत का सबसे बड़ा जुर्म दस्तूर तोड़ना है। एक दस्तूर तोड़ने वाले शख्स को अदालत सजा देती है और फौज कहती है हम नहीं मानते, तो गद्दार हो नहीं सकता। आते भाई यहाँ पर एक सवाल है कि जिस शख्स पर हम ये इल्जाम लगा रहे हैं, क्या आर्मी चीफ के जहाज को हाईजैक करना, उनकी इस तरह की जो उनके साथ हुआ सारा वाक्य आपको पता है, उसकी तफसील में नहीं जाते, क्या वो जायज था फिर? अब दो चीजें हम देखें, अब आप इस एक 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 इमरजेंसी एक मार्शल से दूसरे मार्शल पे पहुंच गए। पहली अब ये जो उनको मुशर्रफ साहब को सजा मिलती है 2007 वाली मार्शल लॉ पे मिली थी, आप कह रहे हैं 2000 आप 1999 पे चले गए। देखिए वो एक बड़ी लंबी डिबेट है कारगिल, उसके बड़ा उसके डायमेंशन है, वो मेरे ख्याल में कभी हम तफसील से बैठेंगे, उसके लिए तफसीली गुफ्तगू की जरूरत पड़ेगी। हम सिंपल एक सीधे जुमले में मैं उसको आंसर नहीं कर पाऊंगा।
जी अच्छा ये बताएं आते भाई कि अभी आपने मोटरवे की बात की, तो इसी तरह आपको पता है कि जो जीटी रोड है वहां पर शहबाज साहब, हमजा शहबाज साहब का जब चालान हुआ तो उन्होंने स्पीड जो थी वो बढ़ा के 80 से 100 करवा दी थी, क्योंकि उन्हें चालान 80 का आया था। तो ये भी वाकया आता है, लेकिन ये अब्यूज ऑफ पावर इंडिविजुअल केसेस में हम देखते हैं, ये पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में होता है कि लोग अब्यूज ऑफ पावर करते हैं लेकिन बाद में डिसिप्लिन, जैसे खटक ने कहा अभी कि उसको शायद आर्मी पब्लिश नहीं करती कि ये हमने इनके साथ सलूक किया। आप ये दिए भी देखें क्या सजा मिली है, मुझे बताइए सजा क्या मिली है, वर्दी एक, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। देखिये आप किसी एक शख्स का, अब मैं मुशर्रफ की अगर आप बात करें तो शायद मुशर्रफ एक जमाने में तो शायद बहुत अच्छा लगता था और हम सबको अच्छा लगता था, मेरा ख्याल में आपको भी लगता होगा अच्छा, मगर उसके बाद जब उसने ये दूसरी हरकत की और जब शायद हमारे लिए इतना अच्छा नहीं रहा तो हमने फिर उसकी सारी बुराइयां करना शुरू कर दी। मुशर्रफ के लिए ये बहुत बड़ी सजा है कि वो एक फ्लैट में दुबई में रहता, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता। मुझे बताएं कोई एक ऐसा आर्मी चीफ है पाकिस्तान में जो जिसने इस तरह की जिंदगी गुजारी हो। हाँ ये बात करना कि उसने ठीक किया था गलत किया था, बिल्कुल उसने गलत किया था, मगर आप वो एक बात करके और उस इंडिविजुअल का फेल सामने रख के आप पूरी आर्मी को बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं कह सकते, उनको टेंट नहीं कर सकते, उनको पेंट नहीं कर सकते आप। नहीं, पूरी आर्मी की बात नहीं हो रही है सर, सुनिए ना करो भाई, देखिए आपने क्योंकि आर्मी की बात कर रहे हैं ना, जब आपसे आर्मी की, नहीं आपने आर्मी को, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर नहीं आप गलत समझे, इसका मतलब आप गलत समझे। देखिए आर्मी की बात नहीं हो रही है, मैं फिर कर, आर्मी दुनिया के हर मुल्क की जरूरत होती है, दुनिया के हर मुल्क को आर्मी दरकार होती है। यहाँ पर आर्मी आके तबाह कर देती है, सुनिए आर्मी, आपने मुशर्रफ का नाम तो नहीं लिया, आपने कहा आर्मी तबाह कर देती है। सुनिए मैं आपको अर्ज करता हूँ, फिर बताता हूँ। देखिए आर्मी, आर्मी के पाकिस्तान में ना दुनिया भर में आर्मी का एक काम होता है, पाकिस्तान में आर्मी ने दो काम समझ लिए, दूसरा काम उसका गैर कानूनी काम है। मैं बार बार कह दूं कि हम उस दूसरे काम के खिलाफ है, जो उसका पहला काम है वो काबिले तकरीम है, पाकिस्तान की दिफा उसका उसकी जिम्मेदारी है, वो काम काबिले तकरीम है। पाकिस्तान के इदारों, सिविलियन इदारों में दखल अंदाजी, सिविल सियासत में दखल अंदाजी, अदालतों को गलत फैसले लेना, ये काम आर्मी कर रही है, बतौर इदारा कर रही है सर, बतौर इदारा कर रही है, और ये काम नादुरुस्त काम है, ये काम गैर दस्तूरी काम है, इस काम के खिलाफ है सर बस। अच्छा आतिफ भाई यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम सब लोग ये बात करते हैं लेकिन आज तक किसी ने इस तरह का कोई सबूत पेश नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं। आपने मीडिया की बात की, मतीउल्लाह जान साहब जब अगवा हुए, इससे पहले उनसे पहले जो साफी अगवा हुए तो पता चला किसी लड़की का केस था जिसमें उनके बाल मूंड दे गए, फिर वो किसी एक और साफी का केस हुआ वो किसी लड़के के केस में थे, फिर उसके बाद एक साफी का केस हुआ वो अपने जाती जमीन के केस में पकड़े गए, और फिर अब आजकल पाकिस्तान में जिस साफी को भी थोड़ी देर के लिए कुछ गायब हो जाए, आजकल एक फैशन बन गया है कि लोगों को पॉलिटिकल साइलम लेने के लिए दुनिया भर में शायद सहाफत का सहारा लेते हैं और बाद में बाहर भी ममालिक में जाकर वो पॉलिटिकल साइलम भी डाल देते हैं कि देखिए जी हमारे साथ ये हो रहा है, तो क्या ये वो सिलसिला तो नहीं है? वरना ट्विटर पर देखें आप, इनके प्रोग्राम देखें, खुलकर तनकीद हो रही है। देखिए मैं फिर अर्ज करता हूँ, बात यह है कि मैं उन बेशुमार लोगों से वाकिफ हूँ जो अगवा हुए, जो फौजी कंसंट्रेशन कैंप्स में गए, पाकिस्तान में ग्वांतानामो तर्ज की पता नहीं कितने हरासती मराकज बनाए गए हैं जहां पर दो 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 फिट के जंगलों में लोगों को रखा जाता है। बात यह है, और ये फिर वही लंबी बात हो जाएगी, बात यह है कि ये मुझे आपको भी पता है और पाकिस्तान में आप मेरे ख्याल में बच्चे बच्चे को पता है कि काली विगो में कौन आता है, पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि डाले में कौन लेके जाता है। अब मेरे ख्याल में ये डिस्कशन, ये वाली डिस्कशन तो सबूत जो है ना, ये वाला कोई सबूत ये उस वक्त होता है जब फैक्ट्स बोल ना रहे हो। सलीम शहजाद उस रिपोर्ट पे काम कर रहे थे, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की, दूसरी रिपोर्ट पे काम कर रहे थे कि एक गालिबन मेहरान बेस पर जो हमला था उसकी रिपोर्ट थी कि उसमें उनको जो अंदर से जो दहशतगर्द हैं उनको अंदर से मालूमात मिली थी उस इंस्टॉलेशन की, उसके बाद उनको उठाया गया और उनको कत्ल कर दिया गया। ये हम सारे और पूरी दुनिया ने वली बाबर साहब भी याद होंगे हमें, वली बाबर साहब ने भी कुछ इस तरह की चीज की थी, बाबर उनको भी फौज ने लेकिन मेमन के साथ हुआ, इस तरह बहुत से साफियों के साथ सियासी। तो मैं थोड़ा जरा साफियों के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। ये साफ, ये जिस तरह आपने कहा फैशन है, देखे आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ सहाफी ही पाकिस्तान में किसी के खिलाफ बात करते हैं और बाकी सारे के सारे कोई बात नहीं करते? एक आम आदमी जो है शायद सहाफी से ज्यादा बात करता हो, सख्त बात करता हो, मगर उसकी बात की वो अहमियत नहीं होती। देखें आप जब कैमरे के सामने बैठ जाते हैं ना और आप जब लोगों का जहन बनाना शुरू करते हैं तो आपकी बात सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती। अब मैं, मेरा मतीउल्लाह जान साहब से कोई इख्तलाफ नहीं था, मगर जब मैंने उनको आखिरी कुछ दिनों में देखा वो कैमरे के सामने आके जिस तरीके से बात उन्होंने करना शुरू की, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। इसका हल निकाला कि देखिए मैं आपको एक छोटी
चीज बताता हूँ, आप जब एक आपके ऊपर जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो आप एक आम आदमी की तरह उसमें गुस्सा करके अपने वो गुस्सा निकाल नहीं सकते, और अगर आप वो कर देते हैं तो इसका मतलब है आप उस ओहदे के अहल नहीं है। आपके सहाफी भी ऐसे नहीं है जब वो एक खास लेवल से आगे जाते हैं। देखिए लाइन, दुनिया के हर मुल्क में एक लाइन होती है जिसको क्रॉस नहीं करनी होती। पाकिस्तान में ज्यादा सेंसिटिविटी है, पाकिस्तान में ज्यादा दुश्मनी है, पाकिस्तान उतना मजबूत नहीं है। तो जब अंदर के लोग इस तरह की बातें करते हैं तो लाइन क्रॉस बहुत जल्दी हो जाती है। इस चीज का जरूर ख्याल करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। आपको पता है कि बहुत से ममालिक की चाइना के साथ नहीं बनती। मैं ऐसे सियासतदानों को भी जानता हूं ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने चाइनीज के लिए थोड़ी सी हिमायत की, उनको पुलिस ने ना सिर्फ बंद किया, उनके ऑफिसेज बंद किए, उनको उठा के ले गए और उनको न्यूज में इस तरह प्रेजेंट किया गया कि वाकई वो गलत काम कर रहे थे। बिल्कुल पूरा दफ्तर। मैं आपको ये बात बताता हूँ, हर एक मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट होता है उसकी लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। खड़क साहब एक मिनट, अभी रिसेंटली इमरजेंसी की सिचुएशन में कर्फ्यू लगा था जिसपे एक औरत ने, साफी औरत ने मुझे लगाई थी खबरें, उसको भी पुलिस ने ये किया। ये तो पूरी दुनिया में शायद ऐसा होता है। वहां पर ट्रंप जो है वो साफियों को बार बार शटअप कॉल देते हैं हर इंटरव्यू में, जब उनसे सवाल पूछा जाता है और जो सवाल उनको पसंद नहीं आता वो मीडिया को फेक न्यूज कह के बंद कर देते हैं उधर ही फौरन। ये तो पूरी दुनिया में होता है। खटक साहब जी, आप मुझसे कह रहे हैं आतिफ साहब से? जी जी खटक साहब। मैं वैसे एक छोटी सी बात, मैं देखें सहाफी जब एक लाइन क्रॉस करेगा तो उसको कोई ना कोई रोकेगा और उसको रोकना चाहिए, क्योंकि मैं सहाफी की ऐसी बात नहीं सुनना चाहता जहां पे एक आम आदमी उसकी बात को एक गलत मतलब लेके वो नुकसान पहुंचा सके मुल्क को। हाँ, वो सहाफी अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाए, अपने दोस्तों बैठ जाए, उसका जो दिल आए वो कहे, जितना हद से बढ़ सकता है वो बढ़े अगर वो उस लिमिट के अंदर है, मगर जब वो कैमरे के सामने आ जाता है तो उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि वो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। साफी भी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, किसी साफी भी दूध के धुले नहीं है। अगर इन सब के एक एक के रिकॉर्ड निकाले जाए तो साइकिल पर सफर करने वाले आज शॉपिंग सेंटरों के मालिक बने हुए, तो उसके पीछे भी पूरी गेम है। आते भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। खटक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में इतनी बेहतरीन मालूमात लोगों तक पहुंचाई। उम्मीद है इंशाल्लाह हम गाए बगाए आपसे जुड़े रहेंगे और जो टॉपिक्स डिटेल में रह गए आते भाई वो इंशाल्लाह आपसे जरूर डिस्कस हों।